ओम शांति। आज आपसे मैं चर्चा करूंगी कि क्या आपको भी ध्यान लगाने में परेशानी होती है। ध्यान लगाने की भिन्न भिन्न विधियां तो भिन्न भिन्न लोगों द्वारा, संस्थाओं द्वारा बताई जाती है, लेकिन वास्तव में हम ध्यान कैसे और कब लगा सकते हैं, उसमें सफल कब होते हैं कि उसका परिणाम हमें प्राप्त हो, उसके बारे में आज मैं आपको बहुत ही छोटे संक्षिप्त रूप में बताऊंगी, लेकिन बहुत सरल विधि से। एक सिंपल सी बात है कि जब हम किसी शब्द को यूज करें तो सबसे पहले उसका यथार्थ अर्थ जरूर समझें। हर शब्द का अर्थ हर इंसान अपने अपने तरीके से निकालता है, लेकिन जब भी हम उसका उपयोग करें तो उसका पूर्ण अर्थ हमें सही रूप में पता होना चाहिए। इसी को कहते हैं यथार्थ अर्थ जानना, यानी जब जिस जगह पर यथा प्रयोग किया जा रहा है उस वक्त उसका क्या उपयोग होने वाला है, उस संदर्भ में उसकी पूरी जानकारी होना। तो आम भाषा में जैसे एक माँ अपनी बच्ची को जब किचन में खाना पीना बनाना सिखाते हैं, मान लो कढ़ाई पे हम कुछ तलना सिखा लाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, अच्छा बिटिया आप ध्यान से तलना इसको, ये जो पकौड़ी है तलना सीखो, इसको ध्यान से तलना। तो आपका अर्थ क्या होता है, क्या इसका मतलब ये होता है कि वो उस पे कढ़ाई पे आंख गड़ा के रखे और उसी पे बिल्कुल निगाहें टिकाए उसको पकौड़ी को फिराती रहे, ये तो नहीं होता। निश्चित रूप से आप जब उसे कह रहे हैं ध्यान से तलना, तो उसका भावार्थ यथार्थ यही होता है कि वो उसमें जा रहा है, उसका उपयोग सावधानी से करे, उसको सीधा खड़ा ना यूज करे, पलटते वक्त पकौड़ी हो या पूरी हो उसको कढ़ाई की दीवार के पास लेकर पलटे, ताकि तेल उछले ना, गर्म तेल उछल कर अगर उस पर गिर गया तो वो जल सकती है। इसी तरह पानी के गीले हाथ होते हैं, उनको लेकर झारा ना पकड़े तो पानी के छींटे रेंग कर भी अगर झारे के साथ चले जाएंगे या कढ़ाई में छींटे गिरे तो तेल उछल कर उसके मुंह पर गिर सकता है और उन्हें कोई भी तकलीफ हो सकती है। तो इसका अर्थ ये है कि अगर बच्चे को हमें ये कहना है कि तुम ध्यान से तलना, यानी कि उससे पहले हमने उसे शिक्षित कर दिया है, ये पूरा नॉलेज पूरी जानकारियां हमने उसे पहले एक दो सेशन में दे चुके हैं कि कढ़ाई में कोई चीज तलते वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। या फिर दूसरा उदाहरण दो कि एक बच्चे को हम कहते हैं कि तुम जाना ध्यान से सड़क पार करना बेटा, और ये सामान सामने से बाजार से दुकान से लेकर आ, तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो आंखें फाड़ता फाड़ता ही सड़क पार करेगा या कोई और तरीका हुआ। उसका अर्थ यही होता है कि हमने उसे सारे ट्रैफिक रूल्स की जानकारी दी है, उसे वो पूरा ज्ञान दिया है कि सड़क चलते वक्त कैसे चलना चाहिए, बाएं दाएं कैसे चलते हैं, बाएं चलते वक्त ट्रैफिक आ रहा है उसको देखना होता है किस तरफ से आएगा दूसरी तरफ जाएगा, ये देखते हुए कैसे जेब्रा क्रॉसिंग पे चलकर उसे सड़क पार करनी है, कैसे भारी ट्रैफिक को देखते हुए रुक जाना है, पेशेंस रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, तो जो कुछ भी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी हमें कोई भी कार्य ध्यान करना है, ध्यान से करना है, तो हमें उसके ज्ञान की जरूरत है, नॉलेज। अब नॉलेज के बिना ध्यान नहीं हो सकता, और यहाँ हमारा ध्यान शब्द जहाँ हमने शुरू किया विषय को, तो उसका अर्थ था ध्यान प्रभु से लगा। और आप सब भी यही समझे होंगे कि आज प्रभु से ध्यान लगाने में जो दिक्कत आ रही है उसी को दूर करने के बारे में बताएंगे। तो इसका अर्थ समझ में आया कि जब हम प्रभु से ध्यान लगाना चाहते हैं तो जिस तरह सड़क पार करने का ज्ञान होना चाहिए, उसी तरह पहले हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं कौन, मैं कैसे और क्यों प्रभु का ध्यान करने वाली हूँ, उससे मुझे क्या प्राप्ति होगी, फिर प्रभु कौन है, कैसे हैं, और उससे मुझे ध्यान में
कैसे जुड़ाव होगा, महसूसता क्या आएगी, क्या प्राप्तियां होंगी। तो मुझे उम्मीद है अब आप समझे होंगे कि बिना ज्ञान के ध्यान नहीं लग सकता, और इन शब्दों का ज्ञान कि मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या प्राप्ति, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या, मुझे किस तरह उस परम शक्ति से जुड़ना, और वो परम शक्ति कौन, उसका क्या भेद है, उससे क्या मिलता है, क्या वो करता है, उसका पूरा ज्ञान होगा, तब तो हम उसका ध्यान कर पाएंगे और उससे जुड़ पाएंगे। तो इसके लिए हमें आगे सेशंस पे पहले हमें ज्ञान लेना होगा, और तब हम ध्यान कर पाएंगे, जिस दिन आपने ये नॉलेज पूरी तरह समझ लिया। मैं कहूँगी कि आपका ध्यान एक पल में, मिली सेकेंड में उस परमात्मा से लग जाएगा, फिर आपको ध्यान लगाने में कोई दिक्कत नहीं। ओम शांति।